वेलकम टू माय चैनल प्रियंका किचन जोन। मेरे चैनल पे आपको बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि ट्रिक बताऊंगी जिससे आप घर में जो चाय की छन्नी होती है ज्यादा यूज होती है तो इस पे इस तरह से ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं और कितना भी साफ करो साफ नहीं होते हैं। तो केवल एक ट्रिक से आप जो की चाय की छन्नी है इस तरह से चमक जाएगी, बिल्कुल नई दिखने लगेगी। बहुत सिंपल ट्रिक है, बस 5 मिनट लगता है इसको साफ करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। इससे मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको एवरीडे मिलती रहेगी। देखिए मेरे पास जो चाय की छन्नी है इतनी गंदी है, ये मेरी पुरानी छन्नी है, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी मैं अगर इस छन्नी को साफ करती हूँ तो किस तरह साफ करती हूँ जिससे ये बिल्कुल नई जैसी रहती है। बहुत सिंपल ट्रिक है इसको साफ करने का। अक्सर जो क्या होता है जब प्लास्टिक की छन्नी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस तरह से घेरे जो होते हैं वो बिल्कुल काले रहते हैं और देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को। एक भगोने में हमको 1 गिलास पानी चाहिए, साथ में चाहिए व्हाइट वेनेगर, सिंपल सा व्हाइट वेनेगर जो होता है वही चाहिए। इसके 2 बड़े चम्मच मैं लूंगी। साथ में लेंगे हम 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर जो हम कपड़े साफ करने में यूज करते हैं और 1 चम्मच खाने वाला सोडा। बस ये 3 चीज चाहिए अभी हमको। अब क्या करेंगे, इसको हम गैस पे गर्म कर लेंगे पानी को। हमें एक हल्का सा गरम बॉयल वाटर चाहिए, बस उतना ही चाहिए जितना गुनगुना होता है। बस इस छन्नी को हम इस पानी में थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता है। छोड़ेंगे नहीं तो छन्नी जो है प्लास्टिक की है, चिपक जाएगी भगोने से। बस इस तरह से हिलाते हुए हमें इस पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। जब पानी हल्का सा गर्म होने लगे, देखिए हल्की से उबाल आ गई है हल्की सी, तो हम गैस को बंद कर देंगे, उसको ढक के आधे घंटे तक लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, चलिए देखते हैं। देखिए चाय की छन्नी को मैं दिखाती हूँ, हमने इसको छुआ तक नहीं है। देखिए कितना हल्का इसका स्पॉट हो चुका है पहले से, आप देख सकते हैं कितना हल्का स्पॉट है इसमें। और जो इसकी प्लास्टिक की जो हल्की गंदी थी वो भी कितनी शाइन कर रही है, कितनी चमक गई है। बहुत सिंपल ट्रिक है, इसी के थ्रू हम इसकी छन्नी को साफ करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी साफ हो गई पहले से भी। आप इस ट्रिक को जरूर यूज करिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। अब मैं क्या करूंगी, 1 कटोरी में डिटर्जेंट पाउडर लूंगी, आप चाहें तो टिकिया भी यूज कर सकते हैं जो होती है। साथ में एक ब्रश, आप चाहें तो ब्रश से साफ कर लें या तो जो आयरन का झाबा होता है उससे भी साफ कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। इस तरह से साबुन लगा लगा के हमको हल्का हल्का से इसको रगड़ना है जहाँ पे स्पॉट है, या तो हम इससे भी साफ करके दिखाएंगे आपको। बस इसी तरह से आपको बस कुछ देर तक रगड़ना है। अभी जो तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं वो झड़ने लगेंगे। देखिए आप देख सकते हैं हल्का हल्का से निकलने भी स्टार्ट लगा है। बस इसी तरह से साफ करना है। स्टील की छन्नी होती है इसको साफ करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, हम उसको गैस पर रख देते हैं, जो गंदगी होती है वो जल जाती है तो हमारी जो छन्नी होती है साफ हो जाती है। देखिए पहले से कितना हल्का हो गया है, अब देखते हैं उसके दाने हैं गंदगी के वो निकलने लगे हैं। अब मैं जो झाबा है ये वाला मैं इससे भी साफ करके दिखाऊंगी। इससे बहुत जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर ब्रश, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ऐसे रगड़ते हुए बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं रगड़ना है, बस थोड़ा थोड़ा रगड़ते हुए आगे पीछे इसको साफ कर देंगे। बहुत इजी मेथड है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और एक बार इसको आप साफ कर देंगे तो फिर एवरीडे आप इसको देखिए कितना हल्का हो गया है। ऐसे हल्के हल्के साफ कर देंगे तो फिर ये गंदगी जो है कभी चिपकेगी नहीं इस पे। अब कितना साफ हुआ इसके लिए थोड़ा सा पानी से इसको साफ कर लेते हैं, तब समझ में आएगा कितना साफ हो गया है। अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे, देखिए कितनी हल्की हो गई। कोई कहेगा वही छन्नी है जो इतनी गंदी थी, तो देखने का भी मन नहीं कर रहा था हमारा। देखिए कितनी गंदी लग रही थी, अब कितनी साफ हो गई, 90% तो साफ ही हो गई है। अब एक छोटा सा नींबू लेंगे हम, उसमें हम थोड़ा सा सोडा डाल देंगे और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि कुछ जो दाग होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं वो नहीं निकलते हैं, तो इनको ये सोडा नींबू की खटास होती है वो बिल्कुल साफ कर देगी। तो इसी नींबू के थ्रू हम
उसको साफ कर देंगे। बहुत खराब लगता है अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए और हमारी जो छन्नी होती है वो इस तरह से गंदी रहती है, तो बहुत खराब लगता है। तो आज आपको बताऊंगी कि आपको बिल्कुल भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हमारी छन्नी गंदी है। आप इस ट्रिक से अपनी छन्नी को साफ कर दीजिए, झटपट साफ हो जाती है। और अगर आपको लगे कि ये अच्छी ट्रिक है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी बताइए, उनको भी बताइए ऐसी इन्फॉर्मेशन कि आप भी इससे कैसे साफ कर सकते हैं इस तरीके से। बस इस तरह से कुछ हमें हल्का सा रगड़ देना है। बस थोड़ी देर रगड़ने के बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी ये। कोई कहेगा नहीं कि पुरानी छन्नी की नई छन्नी है, बिल्कुल डिफरेंस करना बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। वही पुरानी छन्नी है जिसे हमने साफ किया है, बिल्कुल नई जैसे दिखने लगेगी। बस इस तरह से जहाँ जहाँ स्पॉट्स है हल्के हाथों से ऐसे रगड़ देंगे। अब चलिए इसको हम साफ भी कर देंगे, साफ करने समझ में आ जाएगा कि कितनी साफ हुई है छन्नी हमारी। और पानी लेते हैं और फिर इसमें साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छे से पानी से धो लेंगे। देखिए कोई कहेगा ये वही छन्नी है जो पहले हमने देखी थी, कितनी गंदी, देखिए कितनी साफ लग रही है, बिल्कुल एक भी दाग नहीं है इसमें, बिल्कुल नई जैसी हो गई है हमारी छन्नी। देखिए मैंने थोड़ा इसको सुखा दिया ताकि अच्छे से दिखने लगे। देखिए जो डंडी में स्पॉट्स थे, दाग धब्बे जमे हुए थे, सब निकल गए हैं, कहीं से भी गंदगी नहीं लगी है। जो हल्का हल्का सा है वो जब हम रेगुलर इसको साफ करेंगे वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।